श्री राम समर्थ मैं वीस भगवान की स्मृति में गृहस्थी करे। हमारे दुख का मूल कारण यह है कि हम रघुनंदन को भूल गए हैं, उसे दूर गए हैं। राम के सिवाय गृहस्थी में सुख नहीं है, क्योंकि गृहस्थी ही प्रत्यक्ष दुख है। कोयले को स्पर्श करने से हाथ काला हुआ, जिससे दुख हुआ। अब रोने से क्या लाभ? कोयले का धर्म है काला करना, उसने अपने धर्म का पालन किया, उसे हमने नहीं पहचाना। उसी प्रकार गृहस्थी भी दुखदायक हुई, क्योंकि उसका धर्म है दुख देना। हमने गृहस्थी करते हुए भगवान का स्मरण नहीं किया, इसलिए गृहस्थी व्यर्थ हुई। विश्व का वैभव और मान की प्राप्ति प्रभु राम के बिना, उसके चिंतन और स्मरण बिना संतोष नहीं दे सकती। विश्व में जितना भी वैभव है, वह सब प्राप्त होने पर भी यदि प्रभु राम का वरदान नहीं मिलता है, तो वह सब व्यर्थ है। परमात्मा का विस्मरण ही सभी दुखों का बीज है। चिंता, अस्वस्थता, अहंकार, भय, अति तड़पन, ये सब उसी बीज के विस्तार हैं। चिंता और भय भगवान की विस्मृति के कारण ही पैदा होते हैं। इसलिए गृहस्थी में जो लाभ और हानि होती है, वे परमात्मा को हमारे मन से हटाती हैं, क्योंकि हमने कड़वा बीज बोया है। व्यवहार, सद्वासना, सदाचरण, लौकिक, संतान, संपत्ति, शास्त्रों का चिंतन, सभी बिना राम के शून्यवत्त हैं। संतान, संपत्ति, कीर्ति आदि सारा वैभव प्राप्त हुआ तो भी यदि राम की कृपा नहीं हो तो फजीहत होगी। गृहस्थी सतर्क रहकर करनी चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थी करने पर ही सुख की प्राप्ति होती है। भगवान का स्मरण करके ही सावधानी बरतकर गृहस्थी करना उचित होता है। मैं और मेरा का अहंकार छोड़कर भगवान को समर्पण करके ही उसके आधार से सभी कार्य करें। दूसरी तरह से कुछ नहीं करना चाहिए। मैं करता हूँ कि भावना न रखते हुए यदि कर्म किया जाए तो कली की बाधा नहीं होगी। दुष्टता की भावना न रख कर कर्म करने पर सरलता से कर्म होता है। यदि दुष्टता की भावना के हम शिकार हो गए तो कली हमें जरूर सताएगा, वही सब का मालिक हो जाएगा। जहाँ कली प्रवेश करता है, वहाँ से राम मन से हट जाता है। भगवान का स्मरण करके ही सावधानी से गृहस्थी करें, यही गृहस्थी के लिए मुख्य साधन है। कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता राम है, यह भावना रख कर व्यवहार करना चाहिए। राम के बिना भी मेरा हित होगा, ऐसा जो मानता है उसका घात हो जाता है। जब तक मैं ही सभी बातों का करता हूँ कि भावना हृदय में होती है, तब तक हमारा मन राम के चरणों में लीन नहीं होता। अहंकार का त्याग करने पर ही सुख हमारे पीछे पीछे आएगा, ऐसा विश्वास हो। जिसने राम को सब समर्पित कर दिया, वहाँ अहंकार का अस्तित्व ही नहीं रहता। यदि राम ही को हम सभी बातों कार्यों का कर्ता माने तो जो भी बुरा होता है उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं होगा। हम क्यों पाप के धनी बने? इस विश्व में राम की सेवा के सिवाय और कोई साथ नहीं है। अतः राम के अनन्य शरण हो जाना ही दुख दूर करने का सर्वोत्तम साधन है। जो मन से भगवान का हो जाता है, मानो उसका जन्म अत्यधिक सफल है। जिसने अपने को भगवान से जोड़ दिया,
भगवान से अद्वैत कर लिया उसे बड़ा भाग्यवान समझो। जिसने अपनी देह भगवान को समर्पित कर दी उसका जीवन धन्य है। आज का मुख्य विचार, भगवान का करे अखंड नाम स्मरण, वह दूर करेगा दुख का कारण। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.